कराची से खबर तक खुश आमदीद। सबसे पहले हेडलाइंस, केरला याद में डॉक्टर की गफलत के बायस अस्पताल के गेट के बाहर पैदा होने वाला बच्चा चल बसा। वालदैन का अस्पताल अमले के खिलाफ एहतजाज, अदालत में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान नवाब असम्बली सानी ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में खड़े नेटवर्क कंटेनर्स को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया, फौरी वापसी के अहकाम। बलात में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली और गैस की लोड शेडिंग में इजाफा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लैया में इंसानी हकूक के आलमी दिन के हवाले से गैर सरकारी और समाजी तंजीमों और तलबा की रैली। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ननकाना साहब फारूक अहमद मलिक ने हजाम की आंखों में तेजाब डालने वाले सात मुलजिमान को चार रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। फैसलाबाद के इलाके तारिकाबाद फाटक के पास सड़क कूड़ा करकट का ढेर बन गई, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। नौकोट के करीब मोटरसाइकिल रिक्शा और पिकअप में तसादुम, पांच अफराद जख्मी। माफी में तरीके इंसाफ की नर हमले के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैली। अब कुछ खबरें सुबह सिंध से। नौकोट के करीब ख्वाजा मोड़ के मुकाम पर मोटरसाइकिल रिक्शा और पिकअप में तसादुम के नतीजे में पांच अफराद जख्मी हो गए हैं। पिकअप नफीस नगर जा रही थी कि नौकोट के करीब ख्वाजा मोड़ के इस मुकाम पर सामने से आने वाले मोटरसाइकिल रिक्शा से टकरा गई। हादसे में पांच अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की सहूलत न होने के बायस प्राइवेट गाड़ियों की मदद से मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि दो अफराद को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया है। एम्बुलेंस के हवाले से अस्पताल के एमएस डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने बताया कि अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर्स की कमी की वजह से मरीजों को अस्पताल लाने में दुश्वारी का सामना है। माफी में तरीके इंसाफ की जानिब से सलाला चेक पोस्ट पर नेटो हमले के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली शहर के मरकजी रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर और प्लेकार्ड उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में और नैरो के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर रैली के शुरका ने अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली के शुरका से तहरीक इंसाफ के मुकामी अहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा कि अमरीका की गुलामी की बजाय उस सबक को सिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज पर नैरो हमले के खिलाफ मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला ठट्ठा के शहर धाबेजी में भी पाक फौज की हिमायत में सैकड़ों अफराद ने रैली निकाली। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं घारों से वक्त न्यूज के नुमाइंदे सैयद इमरान अली। पाक फौज पर नीटो हमले और पाकिस्तानी अवाम की अमेरिका के खिलाफ नफरत से आज पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, तो वहीं जिला ठट्टा के शहर धाबेजी में भी इस नफरत के इजहार के लिए जुमे की नमाज के बाद पाक फौज की हिमायत में सैकड़ों मुसलमानान ने अहले सुन्नत वल जमात की क्यादत में एक रैली निकाली, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इंसाफ, जमात उद्दावा समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में पार्टी झंडे और बैनर उठा रखे थे, जिस पर पाक फौज के शहीद जवानों को सुर्ख सलाम इबारत तहरीर दी। रैली के शुरका से खिताब करते हुए उलमाए कराम ने कहा कि नीटो हमले के जवाब में नीटो सप्लाई बंद करना एक अच्छा इकदाम है, मगर हमें इससे भी बड़ा फैसला करते हुए अमेरिका से तमाम सिफारती ताल्लुकात का भी बायकॉट करना होगा। पाकिस्तान की गैरतमंद कौम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई इनके मुल्क की तरफ मैली आँख से भी देखे। उन्होंने कहा कि हम पाक फौज के शहीदों को सुर्ख सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। आज पूरी कौम जनरल परवेज यानी की क्यादत में अपने मुल्क पर जान देने के लिए सर से कफन बांधे कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है। हम कहते हैं अमेरिका का सिर्फ एक ही इलाज, अमेरिका का एक ही इलाज। कैमरामैन जुल्फकार चांडियो के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज घारो। मीरपुर खास में एमकेएम के जेर एहतमाम 9 दिसंबर के शहदा की याद में कुरान खानी की गई। दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी यौम शहदा के सिलसिले में बल्दिया कॉम्प्लेक्स में एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन के भाई भतीजे और दीगर शहदा के लिए कुरान खानी का अहतमाम किया गया, जिसमें एमकेएम के रुकन सिंध असम्बली
फहीम अहमद अल्ताफी जोनल इंचार्ज अजीम दानिश अरकीन जोनल कमेटी के अरकान और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीरपुर खास में भत्ता न देने पर नामालूम अफराद ने समाजी शख्सियत के घर पर फायरिंग कर दी। एक माह कबल लंदन से वतन वापस लौटने वाले सैटेलाइट टाउन ग्राउंड नंबर 2 के रहायशी समाजी रहनुमा आगा ताहिर गुज़िश्ता रोज एक तकरीब से घर वापस जा रहे थे कि रास्ते में नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी, तहम वो मौजाना तौर पर महफूज रहे। फायरिंग की आवाज पर इलाका मकीन बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए जबकि हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। बादजा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा ताहिर का कहना था कि नामालूम अफराद फोन कॉल्स के जरिए उनसे रकम का तकाजा कर रहे हैं जबकि धमकियां भी दी जाती हैं। उन्होंने हुकूमत से तहफ्फुज फराहम करने की अपील की। पीपल्स पार्टी मीरपुर खास की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी के लिए दुआ कराई गई। पीपल्स पार्टी के सिटी ऑफिस में मुनाकिदा खसूसी दुआया तकरीब में पार्टी के जिले रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी, पार्टी की सलामती और पार्टी शुहदा के लिए खसूसी दुआ कराई गई। तकरीब के बाद मुस्तहकीन में लंगर भी तकसीम किया गया। जस्टिस रिटायर्ड हराना भगवान दास ने कहा है कि पाकिस्तान से तालीम हासिल करने वाले फिजिशियन और सर्जन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा कर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। कराची में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन की 45वीं तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहिर फिजिशियंस और सर्जन फराहम करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के सदर जफरुल्ला चौधरी ने कहा कि CPSP तालीम फराहम करने के साथ साथ तहकीक के शोबे में भी नुमायां किरदार अदा कर रहा है जबकि इदारे के फारिगुल तहसील तलबा मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने पेशा वाराना फराइज अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर जस्टिस रिटायर्ड राणा भगवान दास और CPSP के सदर ने मुख्तलिफ शोबाजात के 273 फारिगुल तहसील तलबा तालिबात में असनाद तकसीम की। दादू में पुलिस मुकाबले के बाद दो डाकू गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया है। दादू में बी सेक्शन पुलिस ने गोट पिलावल जोन के करीब मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले दो मुलजमान को ताकुब करते हुए फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। SHO गुलाम असकर बरमानी ने मीडिया को बताया कि मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले दो डाकुओं को पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल और दो पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। वक्त न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।